दोस्तों, अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो और अपने करियर को प्लान कर रहे हो और आपको किसी एडवेंचरस, किसी क्रिएटिव फील्ड में जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजी डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग के ऊपर। और फिल्म मेकिंग एक ऐसा करियर है जहाँ पे आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारा एडवेंचर यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों, इस करियर में आपको एडवेंचर, क्रिएटिविटी के साथ में बहुत सारा पैसा, बहुत सारा नाम भी मिलेगा। स्टार्टिंग में सुनने के लिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है कि हाँ, सारी चीज़ें हमको मिलेगी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। स्टार्टिंग में हो सकता है कुछ साल या हो सकता है बहुत साल आपको स्ट्रगल करना पड़े एक अच्छे लेवल पे जाने के लिए। लेकिन अगर एक बार आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच गए तो बहुत सारी चीज़ें आपको वहां पे मिलने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीजी डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग के ऊपर। ये एक 2 साल का कोर्स है। यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट ये कोर्स परस्यू कर सकता है। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए किसी कोर्स, किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपके पास में स्किल होनी चाहिए, आपके पास में टैलेंट होना चाहिए और आपके पास में कुछ नेटवर्क होना चाहिए, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हो। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, फिर भी अगर आपको जाना है तो आपको मेहनत करनी होगी, आपको चीज़ें सीखनी होगी, आपको स्किल्स सीखनी होगी, आपको टैलेंट एक्वायर करना होगा, आपको नेटवर्क बनाना होगा। वो करने के बाद में आप इस इंडस्ट्री में जा सकते हो। तो अगर आपके पास में ये सारी चीज़ें नहीं हैं, या फिर अगर आपके पास में स्किल्स हैं लेकिन उसको और ग्रो करना चाहते हो, नेटवर्क बनाना चाहते हो, तो आप ये कोर्स परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे इस कोर्स में सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। पीजी डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग के अंदर आपको कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब एक फिल्म जब बनती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीज़ों का आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे आपको दिया जाएगा। यहाँ पे आपको एलिमेंट्स ऑफ स्क्रीन प्ले राइटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। मतलब एक फिल्म जब लिखी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें डिटेल में लिखना होता है। मतलब एक सीन है तो उस सीन में क्या क्या चीज़ें रहेगी, कौन कहाँ पे खड़ा होगा, कौन किससे क्या बातें करेगा, मतलब क्या किस तरीके का डायलॉग डिलीवर करेगा, वो सारी चीज़ें लिखी जाएगी। तो वो कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसके बारे में बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। उसके अलावा आपको एलिमेंट्स ऑफ सिनेमेटोग्राफी के बारे में पढ़ाया जाएगा। सिनेमेटोग्राफी दैट मीन्स द रिकॉर्डिंग, शूटिंग, कैमरा किस पोजीशन पे होगा, किस एंगल पे होगा, किस तरीके से मूव होगा, क्या क्या चीज़ें कैप्चर करनी है, कितनी लाइट रिक्वायर्ड होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इसमें पढ़ाई जाएगी। मतलब इन डेप्थ डिटेल में नहीं होगा, लेकिन इसका भी फंडामेंटल्स यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा, एलिमेंट्स यहाँ पे आपको पढ़ाए जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे आपको विजुअल स्टोरी टेलिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। फिल्म क्या है, एक तरीके की स्टोरी है, विजुअल्स लोगों को दिखाते हैं, तो वो किस तरीके से कन्वे होता है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा आपको एलिमेंट्स ऑफ फिल्म एडिटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक फिल्म जो है वो शूट होने के बाद में उसको एडिट किया जाता है, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है उसको कट करनी होती है और बहुत सारे एडिटिंग वगैरह होती है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको फिल्म एनालिसिस के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक फिल्म, ठीक है, एक फिल्म लोगों के ऊपर उसका क्या असर होगा, लोग उसको किस तरीके से देखेंगे, मतलब लोगों का क्या प्रस्पेक्टिव होगा, लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा, वो सारी चीज़ें इसमें होगी फिल्म एनालिसिस के अंदर। उसके अलावा आपको डेवलपमेंट ऑफ सीन्स एंड सीक्वेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। एक फिल्म जब लिखी जाती है उसको ब्रेक करके अलग अलग सीन और सीक्वेंस में उसको ब्रेक किया जाता है और अलग अलग उसका शूटिंग होता है, तो ये किस तरीके से करना है वो आपको सिखाया जाएगा। उसके अलावा आपको एडवांस फिल्म एडिटिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसके अलावा आपको बजट ब्रेकडाउन के बारे में पढ़ाया जाएगा कि एक फिल्म है उसका टोटल बजट कितना होगा, उसको ब्रेक डाउन करना है, किस किस पॉइंट पे आपको कितने कितने पैसों की ज़रूरत होगी, तो वो फंड आप कहाँ से लाओगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके का कॉन्सेप्ट होता है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको पढ़ाई जाएगी। तो ये चीज़ें पढ़ने के बाद में, ये करने के बाद में
आपको ओवरऑल पता चलेगा कि एक फिल्म में किस तरीके का काम होता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत होती है। दोस्तों इन सभी चीज़ों में, इन सभी सब्जेक्ट्स में थियोरी कम होगी और प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। यहाँ पे प्रैक्टिकली चीज़ें करवा करके आपको सिखाया जाएगा और आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देंगे जो आपको कंप्लीट करने हैं। प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होंगे, वो कंप्लीट करने के बाद में आप चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सीख पाओगे। दोस्तों यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन फिल्म मेकिंग में आपको सभी चीज़ों का थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलेगा। मतलब एक फिल्म में जितनी भी चीज़ें हैं सभी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी, लेकिन फंडामेंटल्स एलिमेंट्स के तौर पे आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। इनमें से अगर किसी एक चीज़ पे आपको फोकस करना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको स्क्रीन पे राइटिंग पे फोकस करना है, या फिर आपको सिनेमेटोग्राफी पे फोकस करना है, या फिर एडिटिंग पे फोकस करना है, तो पर्टिकुलरली एक सब्जेक्ट पे आप पीजी डिप्लोमा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पीजी डिप्लोमा इन फिल्म एडिटिंग कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा इन स्क्रीन प्ले राइटिंग कर सकते हो, या फिर पीजी डिप्लोमा इन सिनेमेटोग्राफी कर सकते हो। इस तरीके से आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करके उसके ऊपर भी आप ये जो कोर्स है वो कर सकते हो और उस एक फील्ड में भी आप जा सकते हो। दोस्तों यहाँ पे ये करने के लिए कौन से अच्छे इंस्टीट्यूट्स रहेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 या 3 इंस्टीट्यूट यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा, लेकिन उसके अलावा मेरा एक और वीडियो है जहाँ पे मैंने टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया फॉर फिल्म मेकिंग के बारे में डिस्कस किया है। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हो। ये करने के लिए यहाँ पे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में ये एक अच्छा कॉलेज रहेगा। उसके अलावा सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट कोलकाता में, उसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एंड फाइन आर्ट्स जो कि कोलकाता में है। इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो ये कोर्सेज करवाते हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे जाकर के आप ये कोर्स कर सकते हो। यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में आपके नेटवर्क्स भी बनेंगे, मतलब जो इंडस्ट्री में काम करते हैं वो लोग आपको यहाँ पे आकर के पढ़ाएंगे, तो उसके साथ में आपके कॉन्टैक्ट भी बनेंगे, नेटवर्क बनेंगे जो आपको आगे इंडस्ट्री में काम करने के लिए मदद कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और ऐसे ही करियर रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस अगर आपको रेगुलर बेसिस पे देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।